सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम राजीव है एंड वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ जावा सीरीज़। सो इस वीडियो में हम लोग फॉर लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। सो इस सीरीज़ के अगर या बाकी वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके कोड विथ राजीव, आप यहाँ मेरे चैनल पे जाके पूरे वीडियोस देख सकते हो। इस सीरीज़ में अब तक मैं पूरा बेसिक जावा से यहाँ पे वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे 11 या 12 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था कि हम बफर रीडर क्लास का यूज़ करके यूजर इनपुट कैसे लेंगे, और उसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि स्कैनर क्लास का यूज़ करेंगे। बाकी सारी चीज़ें आप जाके सीरीज़ पूरा चेक कर सकते हो। अगर नहीं देखा है तो देख लो, और तुम्हें अगर सिर्फ फॉर लूप पढ़ना है तो ठीक है, आप बिना देखे भी स्टार्ट कर सकते हो, राइट। सो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझो लूप क्या होता है, जावा में लूप क्या है। अगर किसी भी स्टेटमेंट को आपको मल्टीपल टाइम्स बार बार एग्जीक्यूट करना है ना, तो वहां पे लूप का यूज करते हैं। सो जैसे मान लो आपको हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है, ठीक है। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, और यहां पे हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट एलएन, और यहां हम प्रिंट कर देते हैं हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड, राइट। अब अगर हमें 5 बार प्रिंट करना है तो सेम लाइन को हमें 5 बार लिखना होगा, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, अब देखो मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि लूप समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लूप का हर चीज की एक रिक्वायरमेंट होती है। तो जब लूप फर्स्ट टाइम जावा के डेवलपर्स ने बनाया होगा तो क्या प्रॉब्लम सामने आई होगी, मैं अभी वो प्रॉब्लम बता रहा हूं, फिर लूप पे चलूंगा। तो यहां पे हमें 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैंने 5 बार लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ल्ड। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं, सो जावा सी, प्रोग्राम का नाम है abc.java, एंटर करते हैं, एंड देन उसके बाद हम प्रोग्राम को रन करेंगे। प्रोग्राम को हम रन करने के लिए क्या लिखेंगे, इंटरप्रेटर को कॉल करेंगे, और इंटरप्रेटर का नाम क्या है, इंटरप्रेटर का नाम है हमारा जावा। सो जस्ट कुछ सेकंड वेट कर लो। जावा, देन प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का नाम क्या है, abc, इस बार डॉट जावा नहीं लगाएंगे, एंटर। देखो 5 बार हमारा हेलो वर्ल्ड आ गया। तो यहां पे हुआ क्या, सिस्टम ने जब लाइन नंबर 4 5 को रीड किया तो प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, लाइन नंबर 6 को रीड किया तो प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड, देन 7, देन 8, देन 9। अब सपोज तुम्हें 100 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो क्या लाइन 100 बार लिखोगे, 1000 बार प्रिंट करना है तो 1000 बार लिखोगे, प्रोग्राम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, अब सोचो यहां पे कुछ ऐसा होता, अगर हम कुछ ऐसा कर दें कि ये लाइन हमको 5 बार ना लिखना पड़े, हम सिर्फ एक बार इस लाइन को लिखें और इसी एक लाइन को हमारा सिस्टम 5 बार रीड करे, इसी एक लाइन को 5 बार रीड करे, तो आराम से हम 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर सकते हैं। चाहे तुम 5 बार अलग अलग जगह लिखो या एक ही जगह लिख दो, कंप्यूटर उसको 5 बार रीड करे, बात वही हुआ। तो यहां पर लूप का रोल आता है। लूप क्या होता है, सो बाई डेफिनेशन जावा में लूप का मतलब होता है, सो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, लूप इन जावा इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट वन और मोर स्टेटमेंट्स मल्टीपल टाइम्स। अगर एक या एक से ज्यादा स्टेटमेंट को अगर मल्टीपल टाइम आपको एग्जीक्यूट करना है, मतलब कंप्यूटर को बोलना है कि कंप्यूटर भाई ये जो स्टेटमेंट है, ये लाइन है, इसको मल्टीपल टाइम टू में रीड करना है, तो वहां पे हम लूप का यूज करेंगे। अब जावा में लूप 3 है, कौन कौन से 3 लूप हैं, सबसे पहला है हमारा फॉर लूप, ठीक है, दूसरा है हमारा वाइल लूप, एंड थर्ड है हमारा वाइल के बाद थर्ड है हमारा डू वाइल। सो आज हम लोग फॉर लूप देखने वाले हैं, पहला वाला। तीनों सेम काम करते हैं, थोड़ा सा तीनों में डिफरेंस है, मैं बताऊंगा एक एक करके, मैं सब पे वीडियोस अपलोड करूंगा। आज हम लोग फॉर लूप की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं, मतलब फॉर लूप को लिखते कैसे हैं। तो ये देखो, स्टार्टिंग में तुमने देख लिया होगा, ये हमारा फॉर लूप का सिंटेक्स है, ठीक है। हम कैसे लिखते हैं फॉर लूप, सबसे पहले होता है हमारा फॉर, ए फॉर के अंदर 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजेशन होता है, उसके बाद सेमीकॉलन, देखो इनिशियलाइजेशन के बाद सेमीकॉलन है, देन कंडीशन, कंडीशन के बाद फिर सेमीकॉलन, और उसके बाद अपडेशन, फिर फॉर के नीचे फॉर का ब्लॉक होता है, तो एफ के ठीक नीचे हम ब्रेसेस ओपन करेंगे, देखो फॉर के पास जो ब्रेसेस ओपन है, और उसके ठीक नीचे ब्रेसेस क्लोज करेंगे, और उसके अंदर बॉडी ऑफ द लूप, जो भी लूप के अंदर तुमको लिखना है, राइट। अब लूप काम कैसे करेगा, ध्यान से समझना इस चीज को,
प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? अगर मैं जावा प्रोग्राम की बात करूं तो हमारा जावा प्रोग्राम टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है। मतलब कंप्यूटर पहले लाइन नंबर 1 को रीड करेगा, देन लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3, लाइन नंबर 4, लाइन नंबर 5, ऐसे। तो कंप्यूटर प्रोग्राम से जब प्रोग्राम को ऊपर से एग्जीक्यूट करता हुआ आएगा तो सबसे पहले जब लूप में एंटर करेगा तो इनिशियलाइजेशन को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसीलिए देखो इनिशियलाइजेशन को यहां पे 1 लिखा हुआ है, पहला स्टेप। इनिशियलाइजेशन के बाद हमारा कंप्यूटर जाएगा सेकंड एरो, देखो कहां जा रहा है, कंडीशन पे, और कंडीशन को चेक करेगा। अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो कंडीशन से देखो एक स्टेप निकला है, एक एरो निकला है, इससे फिर दो एरो स्प्लिट हुए हैं। एक एरो है 3A। सो अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ, इफ ट्रू, तो हमारा कंप्यूटर फॉर के ब्लॉक के अंदर आएगा। देखो फोर्थ एरो देखो, ठीक है। और हमारे फॉर के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, बॉडी ऑफ द लूप, मतलब जो स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करना है उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। और एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एरो नंबर 5 देखो, वापस अपडेशन पे जाएगा। फिर अपडेशन मैं बताऊंगा अभी क्या होता है अपडेशन, ये सारी चीजें, जो भी अपडेशन है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर एरो नंबर 6 देखो, फिर कंडीशन पे आएगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फिर से ट्रू हो गया तो फिर से एरो 3A, फिर से फोर के अंदर आएगा एरो 4, और फोर के अंदर आएगा जो भी फोर के अंदर लिखा है उसको एग्जीक्यूट कर देगा। उसके बाद फिर एरो 5, फिर अपडेशन पे जाएगा, अपडेशन के बाद फिर एरो 6, कंडीशन पे आएगा, कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से 3A एरो 4, फोर के अंदर आएगा जो भी अंदर लिखा एग्जीक्यूट करेगा, फिर एरो 5 अपडेशन पे जाएगा, फिर एरो 6 कंडीशन पे आएगा। मान लो इस बार कंडीशन फॉल्स हो गया, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो एरो 7 देखो 3B इफ फॉल्स। तो अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा कंप्यूटर सीधे लूप के बाहर निकल जाएगा, फॉर खत्म, अब फॉर आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जितनी बार हमारा कंडीशन ट्रू होगा, फॉर के अंदर जो भी लिखा हुआ है उतनी बार वो चीज एग्जीक्यूट होगी। अब यहां पे एक चीज ध्यान देना कि इस पूरे एग्जीक्यूशन में हमारा जो इनिशियलाइजेशन था वो सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट हुआ है स्टार्टिंग में, और बाकी फॉर के अंदर जो बॉडी है और हमारा अपडेशन जो है और कंडीशन, ये तीन चीजें हर बार एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो ध्यान में रखना। सो अब हम लोग जो 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का प्रोग्राम किए थे इसको हम करते हैं फॉर लूप की हेल्प से। तो सिंटेक्स अगर लिखना है तो कॉपी में लिख दो ताकि यहां पे मैच करते रहोगे। सो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर, जैसा सिंटेक्स में था। देखो सिंटेक्स में फॉर है, फॉर के बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज। और फॉर के अंदर तीन चीजें होंगी हमारी, क्या क्या, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन। सो इनिशियलाइजेशन क्या होगा, इनिशियलाइजेशन का मतलब यहां पे एक वेरिएबल ले लो, मैं आई ले लेता हूं, इसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर कर लो, मैं 1 स्टोर कर लेता हूं। तुम चाहो तो 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, मैंने 1 ही क्यों किया है अभी बताऊंगा। अब तुमने 1 में, आई में 1 स्टोर किया है, तो 1 क्या है, इंटीजर, तो आई के पहले क्या लिखना होगा, INT, क्योंकि जावा प्रोग्राम में हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि अगर किसी वेरिएबल में तुम इंटीजर स्टोर कर रहे हो तो उस वेरिएबल के पहले INT लिखना पड़ता है। देन सिंटेक्स देखो, इनिशियलाइजेशन के बाद क्या है, सेमीकॉलन ना, तो फिर यहां देंगे हम सेमीकॉलन। फिर मैं फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देता हूं। इसके बाद इनिशियलाइजेशन के बाद क्या है, सिंटेक्स देखो, सेमीकॉलन, उसके बाद कंडीशन, तो हमने सेमीकॉलन दे दिया है, ऑफ कंडीशन देंगे। तो यहां पे तुमने सिंटेक्स में देखा होगा जितनी बार हमारा कंडीशन ट्रू होगा फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है उतनी बार ही एग्जीक्यूट होगा। तो हमें हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट करना है, 5 बार। तो यहां पे हम कंडीशन क्या देंगे, ऐसा कंडीशन जो 5 बार ट्रू हो, तो हम कंडीशन दे देंगे आई लेस देन इक्वल्स टू 5, फिर सेमीकॉलन। देखो कंडीशन के बाद सेमीकॉलन है। अब अपडेशन, अपडेशन क्या है, अब देखो अगर आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, हां सही है, 1 5 से छोटा है, तो अगर आई की वैल्यू हमेशा 1 ही रहेगी तो ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगा, लूप चलता ही रहेगा। तो हमें आई को हर बार एक इंक्रीज करना होगा, आई को अपडेट करना होगा। तो यहां पे हम लिखेंगे सेमी कॉलन के बाद आई असाइन विद, फिर आई की जो पुरानी वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड करेंगे और वापस उसको हम आई में स्टोर कर देंगे। सो देखो तुम्हें पता होगा कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो पहले इसके राइट हैंड साइड वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा आई प्लस 1, तो आई की जो पुरानी वैल्यू होगी उसमें 1 ऐड होगा और नई वैल्यू आई में स्टोर हो जाएगी, आई की पुरानी वैल्यू अब हट जाएगी, ठीक है। इस लाइन को तुम शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो, आई प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारा अपडेशन हो गया। अब आई में तुम चाहो तो 2 भी ले सकते हो, आई को 2 से स्टार्ट करो, लेकिन तुम्हें लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है, 5 बार एग्जीक्यूट करना है। तो अगर तुम आई में 2 लेते हो
तो कंडीशन क्या होगा, तो 5 बार करना है तो 2 से कहां तक जाना पड़ेगा, 7 तक, तो कंडीशन 7 हो जाएगा। तुम चाहो तो i में 10 ले सकते हो, लेकिन फिर i लेस देन इक्वल टू 15 करना पड़ेगा, तो मैं सिंपल 1 रहने देता हूं। सो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। और फॉर के नीचे फॉर का ब्लॉक होगा, तो ब्लॉक कैसे बनाएंगे, फॉर के नीचे ब्रेसेस ओपन और ब्रेसेस क्लोज। अब जो भी तुम्हें फॉर के अंदर जो स्टेटमेंट तुम्हें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करने हैं, तो हमें हेलो वर्ल्ड 5 बार प्रिंट करना है ना, तो अंदर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट देन प्रिंट ln, और इसके अंदर क्या प्रिंट करना है हमको, हेलो वर्ल्ड, सो हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। ये हो गया हमारा, ये हमारा प्रोग्राम हो गया 5 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने का। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, ध्यान से समझो इस चीज को, मैं थोड़ा फॉन्ट साइज और बड़ा कर देता हूं। ठीक है, तो कंप्यूटर पहले लाइन नंबर 1 को एग्जीक्यूट करेगा, देन लाइन नंबर 2, देन लाइन नंबर 3, देन लाइन नंबर 4। जब फॉर में एंटर करेगा तो सबसे पहले हमारे इनिशियलाइजेशन को एग्जीक्यूट करेगा, int i assign with 5। तो इस लाइन में हम कंप्यूटर को बोल रहे हैं कि भाई i में 1 स्टोर कर दो, तो कंप्यूटर ने i में 1 स्टोर कर दिया, इनिशियलाइजेशन हो गया। अब देखो इनिशियलाइजेशन के बाद एरो कहां गया है, कंडीशन पे ना, सेकंड एरो, तो अब कंप्यूटर यहां से कहां चला जाएगा, कंडीशन पे, कंडीशन चेक करेगा। तो i लेस देन इक्वल टू 5, i में 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 5, हां सही लिखा हुआ है, 1 5 से छोटा है, यानी कंडीशन ट्रू। तो अब देखो कंडीशन ट्रू होने पे एरो नंबर 4 देखो बॉडी के अंदर आ रहा है, तो कंप्यूटर इस फॉर के अंदर आएगा, और इस फॉर के अंदर अभी एक ही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड। तो हमारा पहला आउटपुट आ जाएगा, मैं नीचे आउटपुट लिख दे रहा हूं, पहला आउटपुट हमारा हेलो वर्ल्ड। अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद कंप्यूटर फॉर से बाहर नहीं निकलेगा, यहां देखो एरो नंबर 5 फॉर से कहां जाएगा, अपडेशन पे। तो अब कंप्यूटर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद जितना भी लाइन फॉर में लिखा हुआ है उसको, अभी तो एक ही लाइन है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद अपडेशन पे आएगा आई प्लस प्लस। तो आई की वैल्यू पहले कितनी थी, 1 थी ना, तो प्लस प्लस एक बढ़ा देगा, आई की वैल्यू 2 कर देगा। और फिर अपडेशन के बाद कंप्यूटर कहां आएगा, यहां एरो देखो एरो नंबर 6, अपडेशन के बाद कंडीशन पे, तो फिर कंडीशन पे आएगा। तो आई लेस देन इक्वल टू 5, तो आई में अभी कितना है, आई में 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 5, अभी भी ट्रू है कंडीशन, 2 5 से छोटा होता है, कंडीशन ट्रू। फिर से फॉर के अंदर आएगा, फिर से लाइन एग्जीक्यूट होगी और क्या प्रिंट कर देगा, दूसरी बार हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहां नीचे लिख दे रहा हूं हेलो वर्ल्ड। फिर इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद फॉर में और कोई लाइन तो है नहीं, फिर अपडेशन पे जाएगा, तो आई प्लस प्लस, अब आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2 थी ना पिछली बार, तो अब 2 से एक इंक्रीज होकर 3। फिर कंडीशन पे जाएगा, तो 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फिर से फॉर के अंदर आएगा, फिर लाइन एग्जीक्यूट करेगा और तीसरी बार प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, फिर अपडेशन पे जाएगा, तो आई की वैल्यू 4, उसके बाद फिर कंडीशन, तो 4 लेस देन इक्वल टू 5, 4 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू। फिर फॉर के अंदर आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हेलो वर्ल्ड, फिर से अंदर आएगा, चौथी बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा हमारा। फिर अपडेशन पे जाएगा, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, देन कंडीशन, तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। फॉर के अंदर आएगा, क्या प्रिंट कर देगा, पांचवी बार हेलो वर्ल्ड। तो मैं एक बार और यहां पे लिख देता हूं, पांचवी बार हेलो वर्ल्ड, क्योंकि अब यहां देखो जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 लेस देन इक्वल टू 5, 5 5 से लेस तो नहीं है बट इक्वल तो है ना, तो कंडीशन अभी भी ट्रू है। फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो अब हमारा कंडीशन आई में 6 है, तो 6 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, अब कंप्यूटर सीधे फॉर के बाहर आ जाएगा। सो यहां एरो देखो, कंडीशन फॉल्स होने पे एरो नंबर 7, हमारा फॉर का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया प्रोग्राम। तो चलो इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं, रन करते हैं, ये जो मैंने कमेंट में सब लिखा हुआ मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं, तो कैसे रन करेंगे, जावा सी, और फिर प्रोग्राम का नाम क्या है, abc.java, एंटर। प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, फिर लिखेंगे जावा, जावा के बाद फिर प्रोग्राम का नाम एबीसी, एंटर करते हैं। देखो हमारा कुछ कहीं पे हमने गलती किया है, ओके स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, जावा जावा मैंने लिख दिया है, जावा होगा, जावा एबीसी। देखो आ गया 5 बार हेलो वर्ल्ड। अब मान लो तुम्हें 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो सिंपल है, यहाँ पे कंडीशन में 5 की जगह 10 कर दो, देखो अब 10 बार प्रिंट करेगा। रन करते हैं फिर से, सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, और फिर जावा एबीसी, देखो 10 बार हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तुम्हें 1000 बार करना है, तो कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी कर दो, आई लेस देन इक्वल टू 1000 कर दो, हो गया 1000 टाइम्स प्रिंट कर देगा, सिंपल है। अच्छा अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल द नेचुरल नंबर्स
all the natural numbers from 1 to 9, from 1 to 9. 1 से 9 तक तुम्हें सारे नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने हैं, यानी आउटपुट ऐसे आना चाहिए 1, फिर 2, फिर 3, ऐसे कहां तक, ऐसे तुम्हें सॉरी ऐसे तुम्हें मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूं, ऐसे कहां तक प्रिंट करना है, तुम्हें 9 तक प्रिंट करना है, ठीक है। अरे फॉर लूप से करना है तो कैसे होगा, देखो बहुत ज्यादा सिंपल है, मैं इसको भी हटा दे रहा हूं। सो हमें कितनी बार प्रिंट करना है, 9 बार, 9 नंबर प्रिंट करने हैं। तो मैं आई से आई में 1 ले लूंगा, 1 से स्टार्ट करूंगा और आई लेस देन इक्वल टू 9 कर दूंगा ताकि लूप 9 बार चले, ठीक है। अब यहां पे अब तुम बताओ, जब फर्स्ट टाइम कंप्यूटर फॉर के अंदर आएगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। जब सेकेंड टाइम कंप्यूटर फॉर के अंदर आएगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। जब थर्ड टाइम कंप्यूटर फॉर के अंदर आएगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा और जब i का वैल्यू 10 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 9, तो जब i में 10 होगा कंडीशन फॉल्स बाहर निकल जाएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे i, बस हो गया। अब i को डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे क्योंकि i वेरिएबल है, इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है हमको। अगर हम इसको डबल कोटेशन में लिख देंगे तो i ही 9 बार प्रिंट कर देगा, ठीक है। हमें i की वैल्यू प्रिंट करनी है, डबल कोटेशन में नहीं लिखेंगे। अब देखो यहां पे क्या होगा, जब i की वैल्यू 1 होगी फिर कंप्यूटर कंडीशन पे जाएगा तो 1 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, अंदर आया, क्या प्रिंट कर देगा 1। फिर i प्लस प्लस पे जाएगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। फिर कंडीशन चेक करेगा तो 2 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा तो इस बार i में 2 है तो कितना प्रिंट करेगा, इस बार 2 प्रिंट करेगा। फिर i प्लस प्लस पे जाएगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। फिर कंडीशन पे जाएगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 9, कंडीशन ट्रू, फिर से अंदर आएगा, इस बार 3 प्रिंट करेगा। फिर वैसे ही हमारा 4 प्रिंट करेगा, 5, 6, 7, 8, और i की वैल्यू जब 9 होगी i प्लस प्लस में तो i लेस देन इक्वल टू 9, i में 9 है तो 9 लेस देन इक्वल टू 9, भाई लेस नहीं है बट इक्वल तो है, कंडीशन ट्रू, फिर अंदर आएगा 9 प्रिंट कर देगा। और जब i की वैल्यू 10 होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगा, i लेस देन इक्वल टू 9, अब i में 10 है, 9 से ना छोटा है ना बराबर है, कंडीशन फॉल्स, 4 के बाहर निकल जाएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से रन करता हूं मैं इस प्रोग्राम को। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा और फिर जावा एबीसी। सो ये देखो हमारा 1 से 9 तक प्रिंट कर दिया। तो ये है हमारा फॉर लूप। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में फॉर पे। अगले वीडियो में हम लोग फॉर पे 2 प्रोग्राम करने वाले हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम, ताकि फॉर का कंसेप्ट और तुम लोगों को क्लियर हो जाए, राइट। और उसके बाद एक दो मैं प्रोग्राम भी तुम लोगों को दूंगा खुद से करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।